हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पिंकीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। उज्जैन ब्लॉग की ये लास्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शिप्रा घाट की आरती और उसके बाद हम 24 खंबा माता मंदिर भी जाएंगे। राम घाट पे होती है ये संध्या की आरती और यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस है पार्किंग के लिए। ये स्पेस आप मीन्स पेवल है, आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, और उसके बाद ये पैदल ही यात्रा है जो कंप्लीट करनी होती है। साइड में, दोनों साइड में काफ़ी सारे लोकल स्टॉल्स रहते हैं और यहाँ पे पारदेश्वर महादेव का ये मंदिर है और यहाँ से स्टार्ट होती है राम घाट के लिए जाने का रास्ता। अभी 6:30 अप्रॉक्स हो रही है फ्रेंड और 7:00 पे स्टार्ट होती है यहाँ पे आरती। आरती की जो टाइमिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं वेदर जैसा भी रहता है, मीन्स ठंड के मौसम में ये और थोड़ी पहले हो जाती है, जब भी सनसेट होता है उस टाइम पे होती है ये आरती। एंटर करने के साथ ही हमें यहाँ पे चित्रगुप्त जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखता है और उसके अलावा शिप्रा जी के घाट पे काफ़ी सारे शिवलिंग और शिव मंदिर भी स्थापित हैं। टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाने पे अच्छे से खड़े होने के लिए स्पेस मिल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे लेट होती है वैसे वैसे यहाँ पे रश बढ़ती जाती है। हमने डिसाइड किया कि हम ओवरब्रिज पे खड़े होंगे सो दैट हमें दोनों साइड की आरती देखने को मिले। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक ओवरब्रिज बनाई हुई है और दोनों ही साइड से अच्छे से दिखती है फिर शिप्रा जी की आरती। राम घाट पे आरती जब पंडित जी कर रहे होते हैं उस समय भक्त जन भी कर सकते हैं। अगर किसी को खुद भी शिप्रा जी की आरती करनी हो तो यहाँ पे आरती की थाल मिलती है जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ रहती है, आप उसे लेकर के आरती कर सकते हैं। ओवरब्रिज से बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है शिप्रा नदी के अंदर स्थापित ये शिवलिंग और साथ में नंदी जी भी स्थापित हैं यहाँ पे। ये दूसरे तरफ की आरती है जो चित्रगुप्त भगवान की मंदिर है, उस तरफ की ये है आरती और दूसरे तरफ की आरती ये है। एक तरफ थोड़ा ज़्यादा डार्क लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज वाला एरिया है और इधर बिल्कुल दूर तक शिप्रा जी जा रही हैं तो यहाँ काफ़ी ओपन सा है और काफ़ी अच्छा लगता है। आई सजेस्ट कि आप अगर शिप्रा जी की आरती देखने आ रहे हैं तो आप ओवरब्रिज ही प्रेफर करें, क्योंकि इससे कैसा है कि दोनों साइड की आरती हमें देखने को मिल जाती है और अगर आप आरती करने वाले हैं फिर तो आप जिधर पंडित जी लोग आरती कर रहे हैं वहाँ पे ही जाएं और वहाँ से आरती की थाल ले लें और आरती करें। आरती ख़त्म हो जाने के बाद इस तरीके से छोटी छोटी आरती के दोने मिलते हैं और ये 50 रुपीज़ में दो देते हैं वो। ये सभी लोग नदी में प्रवाहित करते हैं, इस तरीके से गंगा जी में भी मैंने देखा है अपनी विश मांग के लोग ये वाली जो दिए होते हैं उसको डालते हैं। ये शिप्रा जी में भी ऐसा करते हैं। शिप्रा जी के कई सारे फेमस घाट हैं यहाँ पे उज्जैन में, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो ये घाट है ये राम घाट है और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है और बहुत ही ज़्यादा भव्य और खूबसूरत होता है यहाँ के। We'll be right back.
शिप्रा आरती के बाद हम यहाँ पहुँचे 24 खंबा माता मंदिर में, और लकीली यहाँ भी आरती हो रही थी। हम आरती में सम्मिलित हुए और आप सब भी माता जी की आरती ले लीजिए। ये मंदिर करीब 1000 साल पुरानी है और ये उज्जैन नगर में प्रवेश करने की पहले जो मुख्य द्वार होती थी वो यही होती थी। और मंदिर में टोटल 24 काले पत्थरों के खंबे हैं, इसीलिए इसे 24 खंबा मंदिर बोला जाता है। यहाँ पे बड़ी माता महामाया और छोटी माता महालाया, इनकी पूजा की जाती है। और ये मंदिर भी उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही है ये 24 खंबा मंदिर। आप वॉकिंग आ सकते हैं अगर आप महाकाल लोक के आसपास में हैं तो। उज्जैन के सभी प्रमुख मंदिर जिन्हें हमने इन दो दिनों में विजिट किए हैं, इनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। और आज ये हमारा उज्जैन में आखिरी दिन है। कल सुबह हम निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए और मैं वहां पे जाके भी आपके साथ वहां की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करूंगी। सो आप बने रहिए वीडियो में, और पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।